biology study point. In previous video, we have studied about the structure of a flower, and in this video, we are going to start the next topic, stamen, microspore and pollen grain. ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे stamen के बारे में. Stamen क्या होता है बेटा? Stamen the male reproductive part of a flower. Stamen दो पार्ट से मिलकर बना होता है. पहला है फिलामेंट, दूसरा है एंथर. फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट का काम होता है कि एंथर को फ्लावर से बाइंड करना. ठीक है, फिलामेंट इज अ लॉन्ग एंड सिलेंडर. हम जानते हैं कि जो फिलामेंट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग एंड सिलेंडर शेप का. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अ फिलामेंट इज अटैच्ड टू पेटल ऑफ फ्लावर. और जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल मतलब कि जो उसके नीचे साइड का जो एंड होता है, ठीक है, वो उस एंथर को अटैच करता है फ्लावर के साथ, फ्लावर के पेटल मतलब. ठीक है, और एंथर हम जानते हैं एंथर एक बायलोब स्ट्रक्चर होता है. एंथर का बायलोब्ड मतलब कि एंथर में दो लोब्स होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर. इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें एक लोब में दिख रहा है, दूसरा लोब इसके पीछे पे है. ठीक है, तो वन लोब एंड सेकेंड लोब. तो एंथर का स्ट्रक्चर होता है बायलोब्ड, दो लोब होते हैं. उन दो लोब में ईच लोब में दो दो थैका होते हैं. थैका मतलब कि द कैविटी ऑफ एन एंथर. ठीक है, एंथर की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं थैका. और एंथर के दो लोबों में से एक लोब में दो थैका होते हैं, तो दूसरे में क्या होता है, दो थैका. तो इसीलिए जो एंथर होता है उसको हम डाइथैकस भी बोलते हैं. एंथर डाइथैकस होता है, बायलोब्ड होता है. ठीक है, अगला, एंथर का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है. टेट्रागोनल का मतलब कि अगर ये एक एंथर है, अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सली काट दिया, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे, मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. अगर मैं इसको 3D में देखूं तो, ठीक है, तो इस व्यू से अगर आप देखोगे आपको इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा. मतलब कि चार खांचे आपको उसमें देख रहे हैं ना, 1 2 3 4. ये एंथर का एक लोब है, ये एंथर का दूसरा लोब है. थैका इज द कैविटी ऑफ एन एंथर जो कि चार होती है, एक एक कोने में एक एक थैका. ठीक है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर. अब ये बात ध्यान में रखो, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में मैच्योर होकर पोलन सैक कहलाता है. पोलन सैक, पोलन सैक मतलब कि जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे. इसका मतलब कि जब पोलन ग्रेन्स इमैच्योर फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर. पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और पोलन सैक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, तो एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4, जिसके अंदर पे पोलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं, मतलब कि माइक्रोस्पोर ग्रो करते हैं. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड डिग्रेड पोलन सैक. और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा, खुद को डेवलप करेगा. जैसे जैसे फ्लावर मैच्योरिटी की स्टेज में आएगा तो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, ड्राई होना शुरू कर जाएंगे, और वो मतलब कि फ्यूजन के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया को मैच्योरिटी की स्टेज में बोलते हैं पोलन सैक. मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया ने बनाया पोलन सैक, और माइक्रोस्पोर ने बनाया पोलन ग्रेन मैच्योर होकर, है वही. ठीक है, तो ये है हमारे पास एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर. एंथर हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एंथर बायलोब होता है, डाइथैकस होता है, टेट्रागोनल होता है, जिस वजह से इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि हर एक कॉलर में होते हैं. और बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होकर बनाएंगे पोलन सैक. ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट का काम होता है इस एंथर को फ्लावर से बाइंड करना, फ्लावर के पेटल से बाइंड करना. अगर फिलामेंट ना हो, मान लो यहाँ पे ऐसे नहीं है, ठीक है, तो एंथर एंथर क्या कर लेगा, ठीक है, तो उसको बाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है फिलामेंट. ठीक है, तो ये था हमारे पास फिलामेंट, एक स्टेमिन का स्ट्रक्चर.